नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, बिहार स्टेट फूड सिविल सप्लाई यानी कि BSFC की नई भर्ती, जिसमें कि आप असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, ऑफिसर अकाउंटेंट, क्वालिटी कंट्रोलर और LDC पद के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फॉर्म आपको कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म आपको भर के दिखाएंगे। तो आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं यानी विवरण पुस्तिका जो है जारी की गई, बता दें इसके अप्लाई करने का लिंक आपको सरकारी.com और रोजगार.com पर मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से भी जो है आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, बता दें इसके आवेदन 13 दिसंबर सुबह 10 बजे से शुरू है और अंतिम तिथि जो है 2 जनवरी 2023 है। तो आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ध्यान दीजिएगा ऊपर दे रहा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। मैं किसी और कलर का मार्कर ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर जो लोग पहले से रजिस्टर्ड है उनको लॉग इन करके आगे बढ़ना है। अगर दोस्तों हम नए रहे तो हमने क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन भी आगे बढ़ा। जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, तो मैं सबसे पहले अपना नाम डाल देता हूँ। अगर आपका मिडिल नेम या लास्ट नेम कुछ है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको मोबाइल नंबर डालना है, दोबारा मोबाइल नंबर डालना है। नेक्स्ट आपको ईमेल आईडी डालनी है, दोबारा ईमेल आईडी कर डालनी है। यहाँ पे कैप्चा जो आ रहा है, इस कैप्चा को आपको एज इट इज डाल देना है। सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड सक्सेसफुल आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड मिलेगा, आपको उसको जो है सेव जो है कर लेना है, ताकि आगे जो है कभी भी आपका लॉग आउट वगैरह हो जाता है फॉर्म भर सकते हो, दोबारा लॉग इन करके आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन ना करना पड़े। तो मैंने यहाँ पे इसका जो कर लिया, अगर आप इसको मोबाइल से कर रहे हो तुरंत इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब कुछ लेने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉग आउट हो जाएगा, आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है, आपको जो यहाँ पे सिंपली जो उसी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दे रहा है कि आपको अपना जो पासवर्ड है उसको अपडेट करना है, यानी कि यहाँ पे आपको अपना जो करंट पासवर्ड जो आपको मिला था उस समय उसको आपको डालना है। उसके बाद जो यहाँ पे आपको जो है अपना एक नया पासवर्ड जो है क्रिएट करना है। तो मैं जो है यहाँ पे जो पासवर्ड मुझे मिला था, मैं उस पासवर्ड को यहाँ पे जो एज इट इज डाल देता हूँ। यहाँ पे एक नया पासवर्ड जो है क्रिएट करना है, नया पासवर्ड बता दें 8 से लेकर 72 का होना चाहिए कम से कम, जिसमें जो आपका अल्फाबेट, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो चलिए अपडेट करते हैं। पासवर्ड रिसेट होने के बाद फिर ये जो है आपका जो है लॉग आउट हो जाएगा, दोबारा आपको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। तो थोड़ा लॉग आउट वाला चक्कर ज्यादा है, कोई बात नहीं, दोबारा लॉग इन करते हैं। जैसे हमने दोबारा लॉग इन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल के पूरी डिटेल्स आ गए और यहाँ पे कितने स्टेप का फॉर्म है वो भी दिख रहा है। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पूछ रहा है कि आप जो है किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो। तो सबसे ज्यादा पोस्ट हमको जो LDC में दिखाई दे रही है, जो नॉर्मल है तो हम LDC के लिए कर रहे हैं। बाकी आप किसी अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने का सिस्टम वही रहेगा, केवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी बदल जाएगी। तो जैसे करेंगे यहाँ पे पूछा है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, बिल्कुल हम यस करेंगे। यहाँ पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आ जाएगा। यहाँ पे पूछा आप बिहार के निवासी है कि नहीं है, तो मैं बिहार का निवासी नहीं हूँ, तो यहाँ पे जो है आप देखिए मैंने नो कर दिया है। अगर आप बिहार के निवासी है तो आपको यस करना है और अपना कैटेगरी डिटेल डालना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रीमी लेयर वगैरह का ऑप्शन है, डिसेबिलिटी यानी विकलांगता वगैरह का ऑप्शन है। आगे बढ़ना है, पूछा कि आप गवर्नमेंट ऑफ बिहार में 3 साल के सर्विस नहीं है, एक्स सर्विस मैन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पूछा है कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर आधार कार्ड है आपको यस करना है। अपना आधार कार्ड का नंबर देना, बता दीजिए, सब बिल्कुल ऑप्शनल है, आप देना चाहे तो दीजिए, नहीं तो आप सिंपली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि जो है आपको डालनी है। जैसी जन्म तिथि डालेंगे आपकी एज जो है यहाँ पे अपना कैलकुलेट होकर आ जाएगी 1/1/2022 को, कितनी आपकी एज मांग रहा है। यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, जैसे तेल हो, कट मार्क है, और जैसे मैंने अपने चेहरे पे तेल है वो डाल दिया। नेक्स्ट अपना पिता का नाम डालना है, अपनी माता का नाम डालना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम डालना है, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको वाइफ का नाम डालना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है, तो मैं अपना यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस डालने में यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर दूंगा, डिस्ट्रिक्ट डाल दूंगा, ब्लॉक अगर कुछ है तो वो डाल दूंगा, पिन कोड डाल दूंगा, दोनों एड्रेस मेरा सेम है तो सिंपली टिक कर दूंगा। सबको देने में यहाँ पे फीस आप देख सकते हैं 1200 रुपये आ रही है। वैलिडेट करते हैं, वैलिडेट सक्सेसफुल हो चुका है, सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे आ जाएगा यहाँ पे क्वालिफिकेशन। सबसे पहले क्लास 10th का पूछ रहा है, क्लास 10th आपको जो है किस यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज से था वो आपको डाल देना है। तो मैंने आपको कॉलेज का नाम डाल दिया है। यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम डाल देना है, बिहार बोर्ड था या कोई अन्य बोर्ड था, अनबोर्ड करेंगे तो यहाँ पे अनबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, आपको डाल देना है। आपने कब पास आउट किया था, आपका रिजल्ट था वो क्या था, मार्क्स में था, ग्रेड में था, मार्क्स में था तो कितना नंबर आपको जो मिला है, कितने में से मिला है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेम वही प्रोसीजर आपको अपनाना है। इंटर में आपका इंटर जो है गर्ल्स की स्ट्रीम पे था, आपका कॉमर्स था, आपका आर्ट्स था या साइंस था, जैसे आई देख रहे हैं आई के आगे ए का मतलब आर्ट्स है, एस सी का मतलब साइंस है, CM को मतलब कॉमर्स है, तो यहाँ पे कॉमर्स मेरा था, मैंने कॉमर्स कर दिया है। यहाँ पे स्कूल का नाम डाल देना है, आपका बोर्ड क्या था, बिहार बोर्ड था या CBSE था या ICSE था, अगर अन्य कोई बोर्ड था तो आपको अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको अपना जो
जो आपका जो है पासिंग ईयर है वो डाल देना है, कितना नंबर आपको मिला है वो डाल देना है, कितने में से मिला है वो डाल देना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ग्रेजुएशन पूछ रहा है, ग्रेजुएशन आपका किस कॉलेज से था, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिख देना है, कॉलेज का नाम लिखना है, उसके आगे जो बोर्ड वाले सेक्शन में आपको जो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जो है लिख देना है। जैसे मेरा मेन कैंपस है तो मैंने यहाँ पर मेन कैंपस डाल दिया है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम डाल दिया है, कब जो है पास आउट किया है वो डाल दिया है, यहाँ पे स्ट्रीम आपकी कौन सी थी, एग्रीकल्चर आपकी जगह मार्क्स और ग्रेड में जो भी था आपका वो डाल दिया है, कितने नंबर का था और आपको कितना नंबर मिला है, सारी जानकारी देने के बाद अगर आपको मास्टर डिग्री नहीं है तो आपको छोड़ देना, अगर कुछ है तो आपको डालना है। वैलिडेट करते हैं, वैलिडेट हो चुका है, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। ये आगे बढ़ेंगे, ये आ जाएगा एक्सपीरियंस वाला ऑप्शन, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको देना है, नहीं है तो सिंपली आपको नो करके वैलिडेट करना है और कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको फोटो लगानी है और सिग्नेचर लगानी है। बता दें जो फोटो लगेगी वो 20 से 50 KB के साइज की होनी चाहिए, जो सिग्नेचर है वो 10 से 20 KB के साइज का होना चाहिए। अगर आपको फोटो सिग्नेचर लगाने में साइजिंग में कोई भी दिक्कत आए तो आपको वेबसाइट खोलनी है, इसका नाम है सरकारी रिजल्ट टूल, बहुत ही कमाल की अत्याधुनिक वेबसाइट है, आपको उसको खोलना है और ईमेल रिसाइज वाले ऑप्शन पे जाना है, अपनी फोटो को अपलोड करना है, अपलोड करते बाद आपका एक्चुअल साइज आ जाएगा, एक्चुअल साइज के बाद अगर आपको उसको कम करना है तो कम कर सकते हैं, ज्यादा करना है तो ज्यादा कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर और भी तरह तरह के टूल्स है, जैसे कि आपको बता दें आप अपना रिज्यूम CV बना सकते हैं, आप एज कैलकुलेटर है जिसकी मदद से आप अपनी उम्र की गणना कर सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस है, इसमें तमाम तरीके के टेस्ट और डेली नए नए टेस्ट इसमें ऐड होते हैं जिसकी मदद से आप अपनी टाइपिंग टेस्ट की जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, JPG से PDF बना सकते हैं और आप जो है अपने फोटो पे नाम या डेट लिख सकते हैं, फोटो सिग्नेचर को एक साथ जोड़ सकते हैं बहुत से फॉर्म में जिसमें जरूरत पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस अपने फॉर्म पर चलते हैं। जैसे फोटो सिग्नेचर अपलोड करके आगे बढ़ेंगे पूरा फॉर्म आपका खुल के आ जाएगा, आपको उसको अच्छे तरीके से चेक करना है, चेक करने में कुछ जगह चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट को आपको पूरा करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक चेकलिस्ट दिख रही है सिग्नेचर पे आपको दिख रही है, इसी तरह आपको फोटो के बगल में भी एक चेकलिस्ट दिखेगी, साथ ही साथ पूरा फॉर्म को अच्छी तरह चेक करना है, चेक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। लेकिन फाइनल सबमिट करने से पहले एक चीज इंश्योर हो लीजिए कि सब कुछ सही है, लेकिन अगर आपको लगता है कुछ भी गलत है तो बैक करके पहले उसको सुधार लीजिए, उसके बाद ही जो है फाइनल सबमिट कीजिए। मेरा सब कुछ सही है, मैं फाइनल सबमिट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जैसे आप फाइनल सबमिट करके आगे बढ़ेंगे यहाँ पे फीस आ जाएगी, फीस के साथ साथ यहाँ पे नीचे जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को डालना है और सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका पेमेंट आप अपने क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, QR से कर सकते हैं और UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको दोबारा लॉगिन करना है। चलते चलते फिर बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका अप्लाई करने का लिंक और जानकारी मिल जाएगी, साथ ही साथ ये लिंक आपको सरकारी.com और रोजगार.com पर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पे अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।